एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज बात करते हैं दुबई पुलिस और दुबई सीआईडी को लेके कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो यहां आपको कैसे नॉक किया जाता है या कैसे रोका जाता है। जो बहुत सारे आप YouTube पे वीडियो देखोगे, हमारे YouTube भाइयों लोग बनाते हैं कि आप विजिट वीज़ा पे वर्क करते हुए पकड़े गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पकड़े कैसे जाएंगे। तो आज डिटेल्स में बात करते हैं कि यहाँ का सिचुएशन कैसे होता है और विजिट वीज़ा पे आप आते हो तो आपको कैसे कहाँ क्या चेकिंग होती है और कैसे क्या आना चाहिए, जाना चाहिए, कैसे आपको जॉब सर्च करने जाना चाहिए। तो डिटेल्स में हम बात करते हैं। तो बात ये है, स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जब आप विजिट वीज़ा लेते हैं तो दुबई गवर्नमेंट पर्सनली विजिट वीज़ा नहीं देती है। कहने का सेंस ये है कि आपको एक ट्रैवल एजेंसी विजिट वीज़ा देती है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि वो ट्रैवल एजेंसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि आप टाइम से एग्जिट करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, आपके वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि आपका वीज़ा कितने दिन का है, आप कितने दिन में एग्जिट करना है, मतलब आपकी मॉनिटरिंग के लिए। तो उसमें कोई मतलब नहीं होता है। आप इंडिया से चढ़े, इंडिया में जो आपकी चेकिंग होनी है वो होगी, आप जानते ही हैं। उसके बाद इंडिया में ये नहीं पूछा जाता आप क्या करने जा रहे हो। टूरिस्ट वीज़ा है बस, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ आप आते हो, यहाँ भी ये नहीं पूछा जाता है कि आप क्या करने आए हो। विजिट वीज़ा है, जाहिर सी बात है विजिटर हो आप। उसमें कोई एयरपोर्ट पर कोई जाँच पड़ताल नहीं होती है। थोड़ा सा पहनावा वगैरह सही रखना चाहिए और कुछ नहीं, मतलब कुछ मतलब जीरो नाम का होता है और ज़्यादा वो सब नहीं होता है। पहले से आपका कोई डिपोर्ट किया गया या बैन वगैरह फाइन वगैरह ना हो। दूसरी बात, आप आते हो एक दिन या दो दिन होटल में रहते हो, उसके बाद बेड स्पेस में रहना चालू करते हो। तो जैसे हमारे YouTube भाई लोग बताते हैं कि चेकिंग होती है, ऐसे होता है, आप विजिट वीज़ा पे जॉब करते पकड़े गए तो ऐसे होता है, पकड़े कहाँ जाओगे आप? यहाँ आपको पुलिस कहीं नहीं रोकती है। मान लीजिए आप जॉब से आ रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं, मेट्रो में जब चेकिंग होगी तो मेट्रो का एक कर्मचारी रहता है, जेंट्स या गर्ल्स, उसके हाथ में एक डिवाइस रहती है मोबाइल की तरह ही, वो बस कहेगा अपना कार्ड इस पर टच कराइए। उसकी चेकिंग का बस इतना मतलब रहता है कि आपने कार्ड स्वाइप करके ही मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं या बिना स्वाइप के ट्रेवल कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। उससे ये मतलब नहीं है कि आप विजिट पे हो या एम्प्लॉयमेंट पे हो या ओवर स्टे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। दूसरी बात, कहीं पुलिस अगर चेकिंग कर रही है तो आपसे केवल और केवल आपकी आईडी मांगेगी। आप बोलोगे मैं आई एम अ विजिटर, आप अपना वीज़ा दिखा दो या पासपोर्ट दिखा दो और कुछ नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो? तो किसी दुकान पे आया था। ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो, कब जाना है, ये उससे कोई मतलब नहीं है। वो थोड़ी ना देख रहा है कि आप किस ऑफिस से निकल के आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इतना जवाब सवाल होता ही नहीं है। और 100 लोगों में से मतलब 1% से भी कम लोगों से पुलिस कभी मुलाकात होती होगी, अगर वो किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे तो। दूसरी बात सीआईडी का, तो सीआईडी आपको रैंडमली रोकती है कहीं भी, बहुत कम केसेस में, ताकि आप रात को अगर ऐसे ही किसी पार्क में हैं या मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं या सुनसान कहीं आ जा रहे हैं तो रोकती है, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है फलाने जगह से आ रहे हैं, अपनी आईडी दिखाइए। आईडी नहीं है, आप विजिट पे हो, आई एम अ विजिटर, तो वो ये नहीं कहेगा कि क्यों आ रहे हो, विजिटर हो तो। वो कहेगा ठीक है पासपोर्ट या अपना वीज़ा कॉपी दिखा दीजिए। दोनों में से एक आपने दिखाया, उसने चेक किया, छोड़ दिया। तो ये प्रोसेस होता है। दूसरी बात, अगर आप ऑफिस में किसी जॉब कर रहे हो, बैठे हो, रेंडमली सीआईडी आई तो वो आपको पकड़ेगी या सबकी आईडी चेक करेगी। आईडी मींस ऑफिस आईडी चेक करेगी। तो जब ऑफिस वाले भी इतने वो नहीं है, वो जानते हैं यूएई के लॉ को, तो
जब वो ऑफिस में आप किसी जॉब करोगे तो वो भी आपको आइडेंटिटी कार्ड क्या देते हैं, आइडेंटिटी कार्ड पे केवल विजिटर लिखा रहता है। उससे आपकी आइडेंटिटी ये है कि उस कंपनी के में आप अभी विजिटर हैं, एज ए एम्प्लॉई नहीं है। वहाँ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है। वो ऑफिस की जिम्मेदारी होती है कि आपको विजिटर बुलाई है अपने ऑफिस में एज ए इंस्पेक्शन, एज ए ट्रेनिंग, एज ए कुछ भी, मतलब वो ऑफिस जवाब देगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप दिखाएंगे आई एम अ विजिटर। आपके आइडेंटिटी कार्ड पे भी विजिटर ही लिखा रहेगा, वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल बनता है कि आप डिपोर्ट कैसे होते हो विजिट वीज़ा पे जॉब करते हुए। तो डिपोर्ट होने का तो 0% चांस होता है। इवन अगर आप कोई गलती ना करो, ओवर स्टे ना हो और किसी गलत काम में पकड़े ना जाओ तो, या लंबे समय से अपना वीज़ा एक्सटेंड करा के आप केवल जॉब ही कर रहे हो, तो इस केस में थोड़ा दूसरा मैटर होता है। लेकिन अगर आप 3 महीने के विजिट वीज़ा पे आते हो जॉब करते हो, पहली बात तो आपको कहीं रोका ही नहीं जाएगा। एक जगह केवल चेकिंग होती है, वो मेट्रो में, वो आपका मेट्रो कार्ड चेक होता है। उससे कोई मतलब नहीं है विजिट वीज़ा पे हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हो, उससे कोई मतलब, वो भी आपसे कोई बोलेगा ही नहीं। मेट्रो का एक एम्प्लॉय आता है, सब लोग अपना कार्ड उसके डिवाइस पे ऐसे टच कराते रहते हैं, ऐसे टच कराएंगे वैलिड है, वो आगे चल जाएगा, आपसे बोलेगा ही नहीं। तो कहाँ से डिपोर्ट होने का चांस आया, कहाँ से आपके पकड़े जाने का चांस आया? यूएई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो हमारे यूट्यूबर भाई लोग कहते हैं। हाँ, लॉ है ऐसा, लेकिन लॉ के हिसाब से ही लोग चलते हैं। आप किसी कंपनी में भी जॉब करते हो तो कंपनी वाले ने आपको दिया है विजिटर की आइडेंटिटी कार्ड, कंपनी भी कह रहा है कि हाँ आप हमारे वहाँ विजिटर हैं, आप भी कह रहे हैं कि मैं इस कंपनी में विजिटर हूँ, अभी इसका एम्प्लॉयमेंट मेरे पास नहीं है। कहाँ से कोई चांस है या पकड़े जाने का या कोई भी डिस्टर्बेंस? तो मैं बस कहना इतना ही चाहता हूँ कि जो दोस्त भाई हमारे सोचते हैं कि विजिट वीज़ा पे जॉब करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल है, एकदम बेसिक सिंपल है। इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान की तरह नहीं है कि लोग रोक के आपकी आइडेंटिटी पूछते हैं, कहाँ रह रहे हो, कितने दिन हो गए, कब जाना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कहीं कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। तो यही बताना था आप लोगों को। मिलते हैं अगले जॉब वैकेंसी वीडियो में।